नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आजकल मार्केट में काफी चर्चा में है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गॉड पिल की। मार्केट में कई तरह की बातें हैं। कुछ लोग गॉड पिल की तारीफ करते हैं। अगर आप 9 हफ्ते तक डेली गॉड पिल लेते हो, गॉड पिल ये एक नेचुरल एंड सेफ टेस्टोस्टेरोन कैटलिस्ट है। ट्राई गॉड पिल फॉर 21 डेज। गॉड पिल एक शानदार टेस्टोस्टेरोन कैटलिस्ट। तो कुछ उसके नुकसान बताते हैं। ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स में काफी सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स डाल देते हैं जिनका डोजेज ना के बराबर होता है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं गॉड पिल में से कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको खास बनाते हैं। गॉड पिल में कुछ प्रीमियम हर्ब्स हैं जैसे अश्वगंधा, टोंगटेली एंड फडोजिया एग्रेस्टिस, जिसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। ये सभी हर्ब्स हजारों सालों से इस्तेमाल होती आई हैं, खासकर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के हिस्सों में। अश्वगंधा एक बहुत ही पुरानी और इफेक्टिव हर्ब है जिसका यूज फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए और सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। टोंगट अली को खास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया में कम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और मेल्स की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है। ये हर्ब्स प्राइमरीली उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जो लोग नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा फडोजिया एग्रेस्टिस को नाइजीरियन हाउसहोल्ड्स में मेल का सेक्सुअल स्टैमिना और लिबिडो लेवल्स, जिन्हें सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, उनको इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये सभी हर्ब्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में सुधार ला सकता है। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी और आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट करके बताइए। आई एम करण, साइनिंग ऑफ।